हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपको दो लेजेंड एथलीट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है उसेन बोल्ट और मिल्खा सिंह। तो दोनों ही लेजेंड है, तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कौन बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसेन बोल्ट जो वो जमैका का रहने वाला है, उसका जो हाइट है 6 फीट 5 इंच है, और उसका जो रिकॉर्ड है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का रिकॉर्ड है। तो 200 मीटर का रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 19.76 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो उसका जो सारे रिकॉर्ड है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया है, जो अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो 150 मीटर का रिकॉर्ड है वो 14.35 सेकंड में कंप्लीट किया है, वो भी अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 200 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो अभी देख सकते हो 19.9 सेकंड में कंप्लीट किया है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी। और 300 मीटर का जो है वो नेशनल रिकॉर्ड है, और 400 मीटर का अभी जो कंप्लीट किया है वो 45.28 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो उसेन बोल्ट जो है वो लेजेंड माना जाता है, और सबसे फास्टर प्लेयर कहते हैं उसे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसेन बोल्ट ने कितना मैच जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ओलंपिक गेम जो है वो 8 टाइम्स विन हो चुका है, वो भी फास्ट पोजीशन पे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो 11 टाइम्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, उसेन बोल्ट जो है वो वर्ल्ड का फास्टर प्लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मिल्खा सिंह जो वो इंडिया से है, और उसका जो हाइट है 5 फीट 10 इंच है, और इंडिया का पहला एथलीट थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने टोटल 80 मैचेस खेले, और उनमें से 77 मैच विन हो चुका है। तो मिल्खा सिंह को अवार्ड भी मिला था, और उन्होंने इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन किया था। तो उसके मैच हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मिल्खा सिंह ने जो वो 45.6 सेकंड में कंप्लीट किया है 400 मीटर, और मिल्खा सिंह का 200 मीटर का रिकॉर्ड जो है वो 21.6 सेकंड में कंप्लीट किया था 200 मीटर। मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिब को पाकिस्तान में जाके हराया था, उसी वजह से उसका नाम पड़ा था फ्लाइंग सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मिल्खा सिंह ने जो 400 मीटर का रेस किया था ओलंपिक में, तो उन्होंने अपना पहले अपना गति को बढ़ा दिया था, उसकी वजह से अपना स्पीड बरकरार नहीं कर पाया, और उसका जो रैंक आया था ओलंपिक में वो नंबर 4 में आया था, 45.6 सेकंड में कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बोल्ट ने किया था 400 मीटर 45.28 सेकंड में, मिल्खा ने किया था 400 मीटर 45.6 सेकंड में, और 200 मीटर का जो कंप्लीट किया था बोल्ट ने, यहाँ पर 200 मीटर 19.90 सेकंड में, और मिल्खा ने किया था 200 मीटर 21.6 सेकंड में। यहाँ पर मिल्खा ने उस वक्त कंप्लीट किया था जहाँ पर ट्रेनिंग में इतनी सुविधा नहीं था, 1916 में कंप्लीट किया था। कमेंट करके बोलना आपको क्या लगता है कौन बेस्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।